अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और मैं लाया हूँ आज आपको दिल्ली के इतने खूबसूरत मोनूमेंट में जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत खूबसूरत है। आप यहां पर आकर यहां से टिकट ले सकते हो। अभी तो खाली पड़ी हुई है बिल्कुल, और दिन में यहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अभी शाम के बज रहे हैं 6:30, तो मैं यहां शाम के टाइम आया हूं क्योंकि मुझे रात का व्यू भी लेना है। तो इस वजह से जो है ना, मैं यहां शाम को आया हूं। तो यहां पर आप ऑनलाइन टिकट भी करा सकते हो और आप यहां पर कैश भी टिकट करा सकते हो। चलिए हम चलते हैं यहां से कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स की तरफ। देखिए इधर रोड जा रहा है बीचों बीच, और रोड के इस साइड जो है ये टिकट काउंटर है, और रोड के उस साइड कुतुब मीनार है। तो चलिए मैंने ले लिया है और मैं चलता हूँ कुतुब मीनार के अंदर, अपने एंट्री ले लेता हूँ। माइक कहाँ है? माइक है नहीं, माइक है ही नहीं भाई मेरे पास। नहीं माइक नहीं है, और ये स्टैंड है बस। ये तो ये है भाई, ये माइक ठीक है ना, माइक को मना करते हैं भाई ये। तो गाइस हमने कर लिया एंट्री कुतुब मीनार में। यहाँ पर आप आओगे तो ये दो रास्ते दिखते हैं, एक साइड रास्ता इधर को और एक रास्ता इधर को। इधर जो रास्ता जा रहा है इस साइड, वो जा रहा है अलाई मीनार और इल्तुतमिश का मकबरा, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले चलता हूँ मैं इस साइड, और इस साइड है कुतुब मीनार और मस्जिद। तो दोस्तों जब हम इधर जाते हैं, देखो सामने, तो यहाँ से हमें इतना खूबसूरत एक व्यू दिखता है। और ये देखिए जहाज़ की आवाज़ आती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमेशा एरोप्लेन जो है ना, ये आपको ये वाला व्यू दिख जाएगा। तो कितना ज़बरदस्त व्यू है। तो चलिए हम ज़रा आगे को चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की सारी चीज़ें। और यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, जब आप आओगे यहाँ पर तो एक सामने कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, और इस साइड में अलाई दरवाज़ा और इमाम जामिन का मकबरा। तो पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ इस साइड और आपको दिखाता हूँ अलाई दरवाज़ा और इमाम जामिन का मकबरा। और दोस्तों ये जो बरामदे दिख रहे हैं ना, इसी में से एक रास्ता है जो अलाई दरवाजे की तरफ को जाता है। तो चलिए आगे को चल के इसमें से हम जाते हैं अंदर। तो गाइस ये है इमाम जामिन का मकबरा। यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी नहीं हुई है इनके बारे में ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी खासी पर्सनैलिटी ये रहे होंगे। इमाम जामिन जो थे वो तुर्किस्तान के मूल निवासी थे, और सिकंदर लोदी के टाइम में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से संबंधित कुछ काम करने यहाँ पर आए थे। तो उनका ये मकबरा है, और इस मकबरे को मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से। यहाँ पर देखिए गेट दिया हुआ है, ये है इमाम जामिन की कब्र। और बड़ा ही खूबसूरत सा ये मकबरा, जालीदार मकबरा है ये पूरा। और ये है यहाँ पर साइड में इसके अलाई दरवाज़ा। यहाँ से खूबसूरत व्यू देखिए कुतुब मीनार का, और इस दरवाज़े का चिड़िया की चहचहाहट की यहाँ पर आवाज़। और ये दरवाज़ा देखिए, मैं इसको अंदर से दिखाता हूँ आपको, इतना शानदार ये दरवाज़ा। तो गाइस इस टाइम पे खड़ा हूँ मैं अलाई दरवाज़े के अंदर, और देखिए कितना शानदार ये दरवाज़ा है, इतना ज़बरदस्त। और इसकी कारीगरी देखिए, यहाँ पर जो ऐसा बना है ना, इसकी जो आर्किटेक्चर वगैरह है, ये कितना ज़बरदस्त है, कितना शानदार है। 1300 ईस्वी में इसको बनाया था, और आज भी ऐसा कैसे खड़ा हुआ है। और बिल्कुल कुतुब मीनार के बिल्कुल साइड में एकदम ये दरवाज़ा, दरवाज़े से बाहर निकलता हूँ तो सामने ही देखने को मिलेगी यहाँ से कुतुब मीनार का खूबसूरत व्यू। तो दोस्तों ये है दुनिया की सबसे ऊंची मीनार। जी हाँ, सबसे ऊंची मीनार, दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है ये कुतुब मीनार। दिल्ली के सबसे पुराने शहर मेहरौली में पड़ती है। दोस्तों कुतुब मीनार को दिल्ली के बहुत बड़े शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन वो इसका सिर्फ बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर ही बना पाए थे, और उनका इंतकाल हो गया था। तो उसके बाद उनके उत्तराधिकारी और उनके पोते इल्तुतमिश ने इसको आगे बढ़वाया, और इसमें दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण कराया था। दोस्तों पाँचवीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, और साथ में एक कपोला का भी निर्माण कराया था। लेकिन 1805 में आए हुए भयंकर भूकंप की वजह से वो कपोला नीचे गिर गया था, लेकिन अब इसमें जो है सिर्फ 5 मंजिल हैं। दोस्तों कुतुब मीनार की 3 मंजिल लाल बालुआ से बनी हुई है, जबकि चौथी और 5वीं मंजिल इसकी लाल पत्थर और मार्बल से बनी हुई है। कुतुब मीनार की ऊँचाई 72.5 मीटर है, और इसका डायमीटर 14.32 मीटर है। कुतुब मीनार के अंदर कुल 379 सीढ़ियाँ हैं जो कि गोलाई में बनी हुई हैं। दोस्तों कुतुब मीनार में पश्चिम की ओर यानी कि काबे की तरफ हर मंजिल पर एक एक दरवाज़ा बनाया हुआ है। बताया जाता है कि ये अजान देने के लिए बनाया गया था,
और इसके अंदर आप ये देखिए, देखो दरवाज़ा दिया हुआ है सामने, और दरवाजे में से अंदर जाने की एंट्री हुआ करती थी जो 1985 तक एंट्री थी, लेकिन एक हादसा हो गया था और 400 से ज़्यादा लोग इसके अंदर थे और इसको बंद कर दिया गया है उस हादसे के बाद से। अब इसमें अंदर नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा था वो, उसकी वजह से इसे बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल ये जो भी है अब ये बाहर से ही देख पाओगे। तो कुल मिलाकर बहुत ही शानदार ये, इसका आर्किटेक्चर बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत शानदार। तो मीनार के जस्ट राइट में कुव्वतुल इस्लाम नाम की मस्जिद है, इतनी खूबसूरत इसका दरवाज़ा है, और इसके अंदर मैं आपको लेकर चल के दिखाता हूँ। ये दरवाज़ा देखिए कितना शानदार, यहाँ पर कुरान शरीफ की कुछ आयतें लिखी हुई हैं, यहाँ पर इसका आर्किटेक्चर जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार है। ये इसमें चारों तरफ दलान बने हुए हैं, यहाँ पर मस्जिद के चारों तरफ दलान है, बहुत शानदार ये दलान, एक बहुत बड़ा सहन दिया हुआ है, और सहन के बीचों बीच कुछ कब्रें हैं, किसकी कब्रें हैं यहाँ पर कोई इसकी डिटेल नहीं है, लेकिन बहुत शानदार ये दलान। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में, और कितना ज़बरदस्त ये आंगन है और इतना शानदार, और इसके चारों तरफ ये बरामदे दिए हुए हैं, और यहाँ पर कुतुब मीनार का व्यू आ रहा है, इतना शानदार खूबसूरत व्यू ये, और शाम हो रही है तो शाम का व्यू इतना खूबसूरत है। और ये कुछ कब्रें हैं यहाँ पर, किसकी है नहीं पता यहाँ पर, लेकिन ज़बरदस्त। दोस्तों चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे इमाम जामिन का मकबरा हो, या अलाई दरवाज़ा हो, इल्तुतमिश की कबर हो, या फिर अलाउद्दीन खिलजी की कबर हो, ये सारी चीज़ें कुतुब कॉम्प्लेक्स में आती हैं, और कुतुब कॉम्प्लेक्स जो इसका नाम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर ही पड़ा है। दोस्तों कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर ही मैं आपको इधर की साइड लेकर आया हूँ, इधर जो है बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं। तो सामने एक कबर है जो इल्तुतमिश की कबर है, तो चलिए मैं आपको कबर के अंदर लेकर चलता हूँ, इस मकबरे के अंदर लेकर चलता हूँ। और बहुत ही शानदार जो है ना, यहाँ पर एक दरवाज़ा बनाया हुआ है, उस पर कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं, और इसका आर्किटेक्चर इतना खूबसूरत है, इसकी ये देखिए काम जो इस पर हुआ है, कितना बारीक हाथों से काम हुआ हुआ है, ये कितनी शानदार यहाँ पर लिपि की हुई है, आर्किटेक्चर कितना ज़बरदस्त। और ये देखिए ये कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं, यहाँ पर अंधेरा कुछ ज़्यादा हो गया है तो दिखाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन इस अंधेरे में कितने शानदार व्यू आ रहा है यहाँ का, कितना ज़बरदस्त। साइड में यहाँ से कुतुब मीनार का व्यू नज़र आ रहा है। यह है इल्तुतमिश की कब्र जो दिल्ली के बहुत बड़े शासक थे। ये जो पार्ट है ना पूरा, ये वाला ये एक्सटेंशन बाई इल्तुतमिश है, और इधर का जो पार्ट है ना ये वाला, ये एक्सटेंशन बाई खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी। और ये है यहाँ पर कब्रिस्तान इसी कुतुब कॉम्प्लेक्स में मौजूद, ये सामने कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार के जो एक्सटेंशन बाई खिलजी है ना, इस वाले पोर्शन में यहाँ पर कब्रिस्तान है। यहाँ बहुत सारी कब्रें हैं, लेकिन किस किस की कब्र है कोई यहाँ नाम नहीं है किसी का भी, तो बस कब्र है यहाँ पर बहुत सारी, कब्रिस्तान है पूरा, काफ़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है यहाँ की। तो ये अंधेरा देखो कितना हो गया है, और मैं यहाँ पर जो रुका हूँ ना, हम जो रुके हैं यहाँ पर, हम रुके हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ की नाइट व्यू दिखाने का, क्योंकि अब जो है ना कुतुब मीनार रात में भी आप देख सकते हो आकर, करीब 9:30 बजे तक खुली रहती है, तो पहले 6 बजे तक का टाइम था, अब 9:30 बजे तक का टाइम है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। लाइटिंग वगैरह कर दी है, हाँ। लाइटिंग वगैरह बहुत शानदार यहाँ कर दी है। दोस्तों ये है अलाई मीनार, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाना स्टार्ट किया था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को उन्होंने बड़ा करवाया था, और ईसा मीनार को जब स्टार्ट किया था तो इसका इरादा जो था वो ये इरादा था कि इसको कुतुब मीनार से डबल ऊंचाई का बनाया जाए, हालांकि ये 24 मीटर ही बन पाए थे और उनका इंतकाल हो गया था, तो फिलहाल यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इतना ही मौजूद है। तो देखिए इसको, और ये देखिए कितना शानदार व्यू, एक बार नाइट व्यू दिखा देता हूँ आपको कुतुब मीनार के पास जाकर। ये देखिए रात का व्यू कितना ज़बरदस्त है ना, रात में तो इसका अलग ही व्यू आ रहा है, एकदम ज़बरदस्त वाला, एकदम शानदार वाला। दोस्तों आप यहाँ पर आ सकते हो, इसका रात का व्यू आप देख सकते हो, ये 9 या 9:30 बजे तक खुलती है, तो इतना शानदार व्यू इसका आता है, आप आराम से आइए अपनी फैमिली के साथ, इतना ज़बरदस्त मज़ा आएगा आपको, बहुत ही शानदार वाला। और ये अलाई दरवाजे का देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है रात में, रात नहीं मतलब शाम में। तो गाइस अंधेरा हो गया है, ये था कुतुब मीनार का व्लॉग, कितना खूबसूरत व्लॉग, और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं शायद दिख नहीं रहूँगा, मेरे पीछे एक कुतुब मीनार दिख रही है खूबसूरत सी, और देखिए इसका व्यू। तो चलिए अल्लाह हाफिज़।
करते हैं इस व्लॉग को ख़त्म यहाँ से।